एक दिन में कोरोना मृतकों का आंकड़ा हुआ 100 के पार। 113 मरीजों ने गवाई कोरोना से जान, जिसमें शहर के 75, ग्रामीण के 32 और जिले के बाहर के 6 मरीज है शामिल। कुल 113 मरीजों की हुई है कोरोना से मौत। कोरोना का कहर जिले में जारी है, जिसमें जिले में मिले हैं 6,364, जिसमें शहर के 4,578, ग्रामीण के 1,780 और जिले के बाहर के 6 मरीज है शामिल। नागपुर में कुल 3,29,470 कोरोना के संक्रमित, जिसमें शहर के 2,44,836 और ग्रामीण के 83,491 और जिले के बाहर के 1,143 मरीज है शामिल। नागपुर में कुल 70,397 कोरोना के एक्टिव केसेस, अब तक कुल 2,52,687 मरीज हुए हैं ठीक। शहर में रिकवरी रेट घट रहा है, रिकवरी रेट घटकर हुआ 76.70%। शहर में आज से अत्यावश्यक दुकानें केवल 1 बजे तक रहेंगी शुरू, बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। शहर में दूध की दुकानें सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रहेगी शुरू। पालक मंत्री नितिन राउत ने दिए निर्देश, कहा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। मेडिकल स्टोर रहेंगे पूरे टाइम शुरू, दूध बिक्री फल विक्रेता सुबह 2 घंटे और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक रहेंगे शुरू। बैंक पोस्ट सेवा, हर प्रकार की वाहतूक सेवा, माल वाहतूक सेवा, कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग समेत अत्यावश्यक सेवाओं में आने वाले पहले जैसे ही रहेंगे शुरू। पालक मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में कोरोना स्थिति को कहा भयावह, लोगों से बेड के लिए संयम रखने की है अपील। नागपुर में सोमवार को भिलाई से 18 टन और बेल्लारी से 36 टन ऑक्सीजन पहुंचा। नागपुर में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल, नागपुर को कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए हैं। पालक मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में हो रही ऑक्सीजन की कमी को चिंताजनक बताया। वर्धा के लॉ एंड स्टील में 1,000 बेड की जंबो हॉस्पिटल की व्यवस्था कराने की दी है जानकारी। देश में 1 मई से 18 से अधिक उम्र के सभी लोग ले पाएंगे वैक्सीन, केंद्र सरकार ने बढ़ते संक्रमण के बीच लिया है फैसला। नागपुर में स्पाइस हेल्थ द्वारा 125 नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 अस्पतालों को किया है वितरित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CSR फंड से मंगवाए हैं वेंटिलेटर। हाईकोर्ट ने RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर देने का किया है आदेश। नागपुर का अधिकतम तापमान 40.7 और न्यूनतम तापमान 24.6 किया गया है दर्ज, बढ़ते गर्मी से शहरवासी हुए हैं बेहाल। पाचपावली पुलिस थाना क्षेत्र के नाइक तालाब परिसर में दिन दहाड़ी युवती की चाकू मारकर की गई हत्या। पिंकी वर्मा नामक इस युवती के घर में घुसकर आरोपियों ने की है हत्या।